नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। दरभंगा सहित बिहार के कई जिलों में जन अधिकार पार्टी सेवा दल के द्वारा कार्यकर्ताओं के समर्पण भावना को दर्शा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते ऐसे समय में जब लोग एक दूसरे से मिलना जुलना भी नहीं चाहते, लेकिन कदम बढ़ाकर ऐसे समय में सबसे पहले जनता के बीच जन अधिकार पार्टी के सेवा दल के द्वारा हॉस्पिटलों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड सहित विभिन्न चौक चौराहों पर भूखे प्यासे वैसे लोग जिन्हें खाने पीने की समस्या लॉकडाउन में होने लगी है, जन अधिकार पार्टी के सेवा दल के कार्यकर्ता उन लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। विशेष रूप से कोरोना वार्ड में इलाज करा रहे मरीजों के परिजन के बीच पहुंचकर सेवा दल द्वारा खाना मुहैया प्रतिदिन करवाया जा रहा है। जी बताएंगे किस तरह के खाने के पैकिंग हो रही है अभी? जी ये पिछले 5 दिनों से खाने का कार्यक्रम चल रहा है। जब नेताजी को गिरफ्तार किया गया तब से सेवा दल जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का जो सेवा दल है वो सेवा में लगा हुआ है गरीब के लिए। जो कोरोना पेशेंट हैं, जो कोरोना के पेशेंट तो अंदर होते हैं, उनके अटेंडेंट को खाने का दिक्कत हो रहा है क्योंकि होटल बंद है, तमाम चीज़ें बंद है, तो वो कुछ कर भी नहीं पाते, तो उनके लिए यहाँ से खाने का इंतजाम करके जन अधिकार पार्टी सेवा दल की तरफ से हम लोग उनको 2 टाइम का खाना मुहैया कराते हैं। और ये सरकार को बताना चाहते हैं कि एक सेवक को गिरफ्तार कर लेने से ये मत समझिए कि उनके करोड़ों सेवक मौजूद हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे। और अहिंसावादी हम लोग हिंसा नहीं कर सकते, अहिंसावादी लोग हैं और अपनी बात अहिंसा मतलब शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। ये उसी का एक पार्ट है कि कोई भूखा नहीं सोए, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो उसको ऑक्सीजन मुहैया कराएंगे। मतलब जैसी भी पार्टी से बन पड़ेगा वो काम हम लोग करेंगे।